So the down so this is the uh, July paper uh, second paper uh, of medicine that is the last portion. So Down syndrome is associated with Alzheimer's disease. Uh, <coughs> the Down syndrome is associated with Alzheimer's disease. So if the question says that Down syndrome is associated with, to all of the above option तो आलफ दिबाओ में क्या है अल्जाइमर है एटेक्ट है तो ऑप्शन डी आल ऑफ दिबो लेकिन अगर पूछे मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड तो यहाँ पे देखेट दी फाइव बाई द एज ऑफ फोर्टी ईयर डिवलप अर्लीट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ सो मोस्ट कामनलीसोसिएटेड विद अर्ली ऑन ऑफ अल्जाइमर डिजीज देट इज सेवेंटीन कमिंग बैक यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट कॉमनली अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमनली हटा डाउन सेंड्रोम एसोसिएटेड विद आल ऑफ दिबो वे लोग मुझसे पूछते हैं कि विच रेफरेंस एम एम आई यूजिंग सो दिस इज़ एक्चुअली यू सी मिली रेफरेंस एंड दिस इज़ अ पेड सब्सक्रिप्शन वेल यू कैन यूज आल्सो टू वीक्स टू वीक्स ऑन ट्रायल पीरियड बट दैट एक्सपायर आफ्टर टू वीक्स ियर टू थर्ड ऑफ दियर टू थर्ड ऑफ दंग पूछा हो तो फेशियल लेकिन अगर जनरल का पूछा हो तो जनरल जो है वो ट्राइज है of trigeminal इसी तरह पोस्टीरियर टंग में टेस्ट और जनरल दोनों ग्लास पेरजन है पोस्टीरियर मोस्ट में पेर आपका ऑफ द टर्म यहाँ पे है प्लूरो पेरिकार्डियोसेंटिस है प्लूरोसेंटिस प्लूरोसेंटिस तो सब कोस्टल एंगल है, है सब कोस्टल और uh, प्लूरोसेंटिस जो है वो अपर बार्डर ऑफ द रिब अपर बार्डर ऑफ ऑफ द रिब एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पेस यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है लेट सपोज आपका ये अपर रिब हो गया ये लोअर रिब हो गया ये एक रिब है ना ये दूसरा रिब है आपका एबो तो न्यूरोमस्कुलर बंडल कहाँ पे होता है आपका जो न्यूरोमस्कुलर बंडल है वो लोअर पोर्शन पे होता है न्यूरोमस्कुलर बंडल लोअर पोर्शन पे होता है तो आपने कहाँ करनी है तो अपर बार्डर ऑफ द रेपर्ट करनी है यहाँ पे अपर बार्डर ऑफ द रिब लेकिन अगर आप इंटर कोस्टल स्पेस को देखें ये आपका इंटर कोस्टल स्पेस है तो इंटर कोस्टल स्पेस का लोअर मार्जिन आता है इसमें बस आपको यह सिर्फ कन्फ्यूज़ करने के लिए अगर पूछे बार्डर ऑफ द बार्डर ऑफ द रिब तो अपर बार्डर ऑफ द रिब लेकिन अगर पूछे विच बार्डर ऑफ द इंटर कोस्टल स्पेस तो लोअर बार्डर ऑफ द इंटर कोस्टल स्पेस इज एक्चुअली द अपर बार्डर ऑफ द रिब तो उसमें आपने फिर लोअर बार्डर ऑफ़ द स्पेस करना है तो इस यहाँ देखिए लोअर बार्डर ऑफ द नाइन इंटरकोस्टल स्पेस दिस इज एक्चुअली मिड एक्जिली लाइन दिस इज मिड एक्जिल लाइन लेकिन अगर पूछे पर्सन इज है इमरजेंसी वट विल यू डू नीड एल इन्जर्शन इन दिकंड एंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लविकुलर लाइन दैट इज समिंग एल सिकंडोस्टल स्पेस मिड क्लविकुलर लाइन यहाँ पे फ्लूरोसेंटिस का पूछा है तो ये मिड एक्सिलरी लाइन है दोनों में फ़र्क है ये आप एक्जिला तक जाते हो क्योंकि जितना आप मिडली जाओगे जितना आप सेंटर में जाओगे उतना रिस्क है टू डैमेज द मेजर स्ट्रक्चर्स जितना लेटरली जाओगे उतना आपका रिस्क कम होगा तो इसमें आपने लोअर बॉर्डर ऑफ द नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्जिलरी लाइन बस ये आपने करना है और अगर पूछे कि चेस्ट चेस्ट ट्यूब आप कहाँ पर डालते हैं ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी में डालते हैं तो ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी के बॉर्डर कौन से हैं तो आपको उसमें आपका इंटीरियर एग्जेरी लाइन है मेड एक्जेलरी लाइन है और लाइन पासिंग थ्रू द नेपल तो आपका एक ट्राइंगल बनता है इंटीरियर एग्जेरी लाइन मेड एग्जेरी लाइन और लाइन पासिंग थ्रू द नेपल ये आप गूगल करके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी बना ले तो आप नहीं बोलेंगे चेस्ट्यूब यूजली हम फोर्थ या फिफ्थ कोस्टल स्पेस में पास करते हैं लेकिन ट्राइंगल ऑफ सेफ्टी में इन न्यू बोर्न द आर्गन विच इज द सेम एज इन एडल्ट न्यू बोर्न और एडल्ट में कौन सा आर्गन सेम होता है तो ये इनर एयर है इनर एयर कभी चेंज नहीं होती ग्रोथ के साथ बेनिडिक्ट ये रिड्यूसिंग सबस्टांस ऑफ यूरिन में मालूम करने के लिए होता है तो उसमें सिर्फ ग्लूकोज़ नहीं होता बाकी भी चीज़ें आती है उसमें ड्रग्स वगैरह आते हैं क्लोज टू क्रोस सेरेब्रा इज़ सबस्टेंशिया नाइग्रा और क्रोस सेरेब्रा ये दोनों मिड ब्रेन में हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं डायलिसिस फ्लूड हैज़ उसमें पोटाशियम बी लेस होता है ग्लूकोज बी ज़्यादा होता है और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा होता है तो आ, ये मेरे ख्याल में ये नन नफ देबाओ नहीं ये है आलाफ ऑप्शन है तो अगर आलाफ देबा ऑप्शन ना हो तो फिर आपने कौन सा चूज़ करना है यहाँ पे आप कंफ्यूजन है क्योंकि डायलिसिस फ्लूड जो और क्रोनिक है उसका अलग ट्रीटमेंट है अगर हाइपर के लिए आप डायलिसिस कर रहे हैं उसका अलग कंसनट्रेशन होता है जो आप एसिडोसिस के लिए करते उसमें अलग अगर कीलश पोटाशियम बहुत ज़्यादा कम हो डायलिसिस फ्लूड में तो किस चीज़ का चांस है हाइपोकलीमिया का चांस है पेशेंट में हाइपोकलीमिया का चांस है अगर ग्लूकोज़ ज़्यादा हो उसमें तो क्या करेगा वाटर केंचेगा ना ग्लूकोज़ हेज़ असमोटिक प्रेशर ये इसमोसिस करेगा तो हाइपोटेंशन में बंदा जाएगा बाई कार्बोनेट्स अगर ज़्यादा हो तो अल्कलोसिस में बंदा जा सकता है तो इसमें देखिए अगर लेकिन ये तीनों चीज़ें होती हैं पोटाशियम उसमें कम होना चाहिए बहुत ज़्यादा कम नहीं क्योंकि पोटाशियम भी तो कम करना है बॉडी में ग्लूकोज़ उसमें भी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उसका पर्पज़ ही होता है कि उससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होता है और बाई कार्बोनेट उसमें ज़्यादा होते हैं ताकि आपके एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज़ करें तो अब पता नहीं कि इसमें पूरा स्टेम क्या है आपने पूरा स्टेम रेट करना है पुअर रिकॉल भी हो सकता है ये आ, लेकिन वेन एवर देर अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग सम एम सी कीव तो ये आलमोस्ट वन परसेंट बनाते हैं आपका जो सी पी एस पी का जो जो पूल है तो उसमें वन परसेंट ए एम सी कीव है, जो किसी को क्लियर नहीं होते तो अगर वो गलत भी हो जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी लेकिन इस एम सिक्यूज़ में फॉलो द मेजॉरिटी फॉलो द मेजॉरिटी क्योंकि अगर आप जो है दूसरा ऑप्शन पिक करोगी तो ये तो रिलेटिव मार्किंग है तो दूसरा बंदा आगे निकल जाएगा फ़ॉलो द मेजॉरिटी इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रोवर्शन एम सिक्यू लेकिन एम सिक्यूज साल करते वक्त उधर दिमाग खोल दें क्योंकि उसमें लिखा होगा कि ये आलाफ दिबाओ अगर है तो वो ठीक है लेकिन बाई कार्बोनेट्स अगर कम लिखा है तो ये गलत है मोर ग्लूकोज देन प्लाज्मा उसमें स्लाइटली मोर ग्लूकोज होता है लेस पोटाशियम देन प्लाज्मा ये भी ठीक है तो अगर आलाफ दिबाओ नहीं है तो आपने फिर फोकस करना है पोटाशियम आलमोस्ट इक्वल होता है ना या मामूली सा कम होता है वन टू तो फोर होता है मिली और आपकी बॉडी में थ्री टू फाइव होता है और ग्लूकोज आलमोस्ट हंड्रेड टू टू हंड्रेड मिलीग्राम होता है तो स्लाइटली रेज हैं बाई कार्बोनेट जो है वो आपका भी इसी तरह माइल्डली रेज होते हैं उसमें तो इफ़ हैज़ अ रेफरेंस नॉट गूगल रेफरेंस अथेंटिक रेफरेंस आई विल आल्सो सर्च दिस बट वेयर फॉलो द मेजॉरिटी पिक द आंसर बी मोर ग्लूकोज देन प्लाज्मा और यहाँ इस पे रिसर्चिज हुई हैं क्योंकि अगर प्लाज उसमें डायलिसिस फ्लूड में आप ग्लूकोज ज़्यादा डालोगे तो उससे फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं जो वाटर ये कैंच का फिल्ट्रेशन जो करता है तो उसमें ये फ़ायदा होता है क्योंकि बी आपकी नॉर्मल हो जाती है पल्मोनरी वाल ओपन्स एट एम और जो लेफ़्ट है आयोटिक वाल वो एट एम एम है प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज लाइटलिक टाइप ऑफ एमडोस तो उसमें एक्चुअली आपका इंक्रीज लाइट चेन होता है वन स्टैंडर्ड डिशन मीन बोथ साइड ऑफ मीन एट डिस्ट्रीब्यूशन करो ये सही ऑप्शन है तो ये लास्ट कौन सा था वन ज़ीरो वन तो वन जीरो टू की तरफ जाएंगे ये कौन सा है नहीं ये वन ज़ीरो टू नहीं है ये कौन सा है ताकि इनसे क्यूज़ रह न जाए वन ज़ीरो टू की तरफ जाएंगे अब ये भी नहीं है वन ज़ीरो टू देखना है आई थिंक ये है हाँ सो पर्सन डिगिंग डीप अर्थ क्रस्ट तो अर्थ क्रस्ट वाले कौन से हैं ये सीरी वाले हैं नेगेटिव मदर नगेटिव मदर टू ओ नेगेटिव बेबी मदर डिप्प ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन इसमें अब ये क्लियर नहीं है मदर ने कौन सा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डिवेल्प किया है फेब्राइल ब्राइल नानोलेट्रिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप किया है या हेमोलेट्रिक ट्रांसफ्यूजन रियक्शन डेवलप किया है या ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से या आर एच इनकम्पेटिबिलिटी ये क्लियर नहीं है तो उस पर ज़रा फोकस करना है क्योंकि अगर मदर ने रिएक्शन डिवेलप कर दिया तो इसका क्या मतलब हो गया असल में ये पूर्व रिकॉल है मदर ने अगर रिएक्शन डेवलप कर दी तो इसका मतलब तो ये था कि मदर वॉज प्राइम्ड हो मदर में ऑलरेडी एंटीबॉडी बने थे और अभी जो है आ, आपने जो ये दे दिया तो एंटीबॉडी उसके साथ कनेक्ट हो गए और उसने रिएक्शन कर दिया तो ऐसी कंडीशन में एंटीबॉडी का क्या रोल होगा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ आपको क्लियर कर दूँ कि प्राइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर एच में अगर प्रीवियस हिस्ट्री आप पॉजिटिव बेबी बर्थ है मदर मतलब नेगेटिव है लेकिन उसने बर्थ दिया है आर एच पॉजिटिव बेबी को तो ये एक प्राइमिंग है दूसरा अगर पास्ट हिस्ट्री है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की और गलती से आर एच को आर एच पॉजिटिव ट्रांसफ्यूज किया है पास्ट में तो ये एक नदर प्राइमिंग है दो चीज़ें आपकी हो गई प्राइमिंग में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है प्राइमिंग क्या है मदर अम्यून सिस्टम इज़ एक्सपोज लिफ सपोज ये मदर का अम्यून सिस्टम है ये आपने आर आर एच पॉजिटिव को एक्सपोज कर दिया तो उसमें सेवनटी टू आवर्स है आपके पास सेवेंटी टू आवर्स में ये एंटीबॉडी बनाएगा तो उस सेवेंटी टू आवर्स में अगर आपने रो गेम दे दिया ये जो एन टी डी एंटीबॉडी है तो मदर का अम्यून सिस्टम प्राइमिंग नहीं होगी उसकी ये याद रखें यहाँ पे एस पेम सी क्यों हो मदर मदर इज़ नेगेटिव बेबी इज़ नेगेटिव एंड Unfortunately, the mother was transfused with Rh-positive blood. Now, what will you do? डू दैन सॉरी गिव इमीजिएटली द एंटी डी इसे क्या होगा क्योंकि सेवेंटी टू आवर्स का पीरियड है आपने ब्लड दे दिया आप प्राइमिंग से प्रिवेंट करना है आपको आपने प्राइमिंग से prevent करना है मदर को मदर को प्राइमिंग से किस तरह आप प्रिवेंट करोगे कि उसका एंटीबॉडीज़ अम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट ना करे और मदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट ना करें क्योंकि एक बार एंटीबॉडीज मदर में बन गई तो फिर एन का कोई रोल नहीं है इसको याद करें तो अगर नेगेटिव मदर है नेगेटिव बेबी है लेकिन क्या हो गया कि गलती से उसको ट्रांसफ्यूजन हो गई तो अभी सेवनटी टू आवर नहीं हुए हैं तो विद इन सेवेंटी टू आवर आप क्या करें आप एनटी डी एंटीबॉडी दे दें अगर सेवेंटी टू आवर से ज़्यादा हो गए हैं तो फिर इसका मिनिमम रोल है इस पर इसका मिनिमम रोल है लेकिन अगर ऑलरेडी प्राइमिंग है प्रीवियस उसने डिलीवरी की है नेगेटिव मदर ने पॉजिटिव बेबी की प्रीवियस डिलीवरी की है और सेवेंटी टू और में उसने इंजेक्शन नहीं लगाया है तो मोस्ट लाइकली प्राइमिंग हो गई है क्योंकि इंजेक्शन लगाना था कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी ने बनाई दूसरा अगर प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन हुई है गलती से और उसने एंटी डी एंटीबॉडी नहीं दी है तो अगेन चांसेस है कि इसमें एंटीबॉडीज़ बन गए हैं तो यहाँ पे अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया तो एक पे द फर्स्ट थिंग इज दिस इज नॉट क्लियर वेदर दिस इज दिस इज नॉन हिमोलिटिक फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और इट इज़ हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन पॉइंट नंबर वन इफ इट इज हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज़ इट बिकॉज ऑफ ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी औरबिलिटी बिकॉज द ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट द ऑर दरचो आइसो इम्यूनाइजेशन एक बंदे में ए बी ओ इनकम्पटिबिलिटी भी है और आर एच भी है तो उसकी मदर में आर एच प्राइमिंग नहीं होगी क्योंकि जो ए बी ओ इनकम्पटिबिलिटी की वजह से आपका आर बी सी डिस्ट्राई हो गया तो उसकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनते मदर में क्योंकि ए बी ओ की वजह से आर बी सी डिस्ट्राई हो गया तो एंटीबॉडी नहीं बने हैं इसको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर उसने ट्रांसफन डिवेलप किया है लेकिन ये क्लियर नहीं है कौन सा अगर ये यहां पे बता दें कि हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है और वो भी फिर आपने क्या करना है फिर आपने गिव एंटीबॉडी। तो उसका क्या रोल होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नो सी आपका हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो ऑलरेडी तो तो एंटीबॉडी बने हैं आप किस तरह प्राइमिंग प्रिवेंट कर रहे हो ऑलरेडी तो तो बन गए हैं नो अक्यूट और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन वाला कर ये हो जाए हिमोलिटिक रियक्शन वाला कर दिस इज़ द राइट आंसर हिमोलिटिक रिएक्शन विल लेकिन ये पूरा एम सी क्यू क्या है मैं आपको बताता चलूँ आरिश नेगेटिव मदर बेबी इज़ ओ नेगेटिव मदर वॉज ट्रांसफ्यूज अनफॉर्चुनेटली विद अ पॉजिटिव ब्लड मदर वॉज ट्रांसफ्यूज अनफॉर्चुनेटली विद अ पॉजिटिव ब्लड ना वट विल यू डू नाव यू आर हैविंग सेवेंटी टू और पीरियड गिव एन टी डी एंटीबॉडी इमीडिएटली गेव एन टी डी एंटीबॉडी इमीडिएटली सही स्टेम को ज़रा गौर से इसको पढ़े और इसको सुनें और इसको समझें तो इसमें आपके पास क्या है गिव एन टी डी एंटीबॉडी ये स्टेम गलत है ये स्टेम गलत है इसको अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली पॉजिटिव ब्लड मिल गया तो प्राइमिंग से प्राइमिंग से आपने मदर को बचाना है प्राइमिंग हो गई उसमें एंटीबॉडी बन गई फिर एंटीबॉडीज का कोई रोल नहीं है तो आपने एंटीबॉडी जल्दी देने हैं ताकि ये क्या करें ताकि मदर का इम्यून सिस्टम उसको इनहेबिट करें और ऑलरेडी जो अरबीसी दिए हैं उसको डिस्ट्रॉय करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज बाईसम्पथेटिकटिविटी तो ब्रों को डायलेशन करता है थ्रू बीटा टू रिसेप्टर्स ब्रों को कंस्ट्रक्शन नहीं करता वो पेरासम्पथेटिक करता है डिक्रीज हार्ट रेट नहीं करता है वो पेरासिम्पथेटिक करता है इंक्रीज इन एवी नोडल डिले तो ए वी नोडल डी ने नहीं ए वी नोडल कंडक्शन इनक्रीज करता है इन दो बातों को समझे इनक्रीज द ए वी नोडल कंडक्शन इंक्रीज द ए वी नोडल द ए नोडल कंडक्शन टाइम टाइमलाइसेंट्री बाई मेके भाई ये तो खुद इन्वर्ट कर देता है म्यूकोजा को लेकिन ये जो डाइसेंट्री करता है तो इसके जो एक्सोटॉक्सिन है उसके पर दो सब यूनिट्स हैं Uh, पता नहीं ए है या बी ए ए एल्पा है बी एल्पा है तो एक्चुअली वो पे डैमेज करता है एक्चुअली एक्जोट एक्सन पेशेंट प्रेजेंटेड विद नेल प्रथ मल्टीपल एंडोक्रिनोपैथी मीन उसको डायबिटीज भी है और सब कुछ है इम्यून सिस्टम उसका कमजोर है तो कैंडिडा फंगल रिस्ट जॉइन इज कॉन्डोलाइड जैन और एलेप्साइड जॉइन एलेप्साइड जो मीन देर इज अ फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन इंडक्शन आल आल जो है वो पॉसिबल है इसी जॉइंट पे तो एलिफ्टाइड जॉइन अगर ये नहीं है तो कॉन्डाइल जॉइंट टाइप ऑफ पथीरियम प्रेजेंट इन स्टमक इज तो स्टमक में कौन सा है स्टमक में आपके पास जो है वो सिंपल कलम नितीरियम है ग्रेडिंग का मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन क्या है ग्रेडिंग इज डिफरेंशिएशन और स्टेजिंग का मतलब क्या है ट्यूमर इन है तो ग्रेडिंग में डी को बस नोट करें तो डिफरेंशिएशन हो गया और स्टेजिंग में क्या है ट्यूमर इन है मस्करिनिक कोरिनर्जिक रिसेप्ट आर लोकेटेड ओनलीम्पैथिकल दिस इज द रॉन्ग आंसर द आंसर इज आर प्रेजेंट ऑनरजिक नरोटेड ओनली अन पेरासपेथिकली इनोटेड इफेक्टर सेल इसका मतलब ये है कि इफेक्टर सेल मस्ट भी सप्लाइड बाई पैरासिम्पैथिक नरोम यह गलत है ये आपके ब्लड वेसल है ब्लड वेसल में आपके मस्करेनिक रिसिप्टर्स होते हैं

सप्लाई, no और इसको नहीं है और जब आप बाहर से इंजेक्शन uh, लगाते हो स्टाइल कोरिन तो वो इस रिसेप्टर को स्टेमोलेट करके वेजोडाशन करता है तो ऑप्शन ऑप्टिक रेडिएशन तो सुपीरियर है सुपीरियर कोडर मेयर लूप जो है वो इन्फीरियर है तो अगर आपका इंफीरियर पोर्शन डैमेज है तो आपने क्या चूज़ करना है सुपीरियर पोर्शन और अग, अगर आपका राइट पोर्शन डेमेज है तो आपने लेफ्ट पोर्शन सेलेक्ट करना है अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक है तो लेफ्ट होमोनीमसीम एनोपिया अगर लेफ्ट ट्रैक है लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक है तो राइट होमोनीमसीम एनोपिया लेकिन कॉर्टेक्स में या रेडिएशन में आपका लोअर पार्ट इन्वाल है तो ये एनोमिया uh, एनोपिया करता है क्वाड्रेंट एनोपिया तो यहाँ पे सुपीरियर ठीक है पेशेंट हैज़ एम तो एम में क्या होता है आपका सी ओ टू बढ़ जाता है एम इज़ अ एज सी ओ पी डी और सी ओ पी डी का मक मतलब सी ओ टू रिटेंशन है राइज इन हाइड्रोजन आयन तो उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं बढ़ते आपका क्या होगा उसमें आपका सी ओ टू बढ़ जाता है जब सी ओ टू बढ़ जाता है तो आपका पी एच क्या हो जाता है कम हो जाता है तो किडनी जो है वो कंपेंसेट किस तरह करती है हाइड्रोजन को ज़्यादा निकालती है तो द मेन पेना इज राइज इन प्लाज्मा सी टू डिक्रीज इन बाई कार मैं प्लाज्मा नो बाई कार बढ़ जाता है एज अ कम्पेंसेशन पॉजिटिव बेस नो नेगेटिव बेस होता है राइज इन प्लाज्मा नो फॉर इन पी एच गो ब्लड सेल्स आर मॉडिफाइड कलम नहीं पीती हर्ट देर इज एन इंक्रीज इन द प्रेशर तो अगर ये आपका हर्ट है और आपने कैथेटर इंजर कर दिया और उसने प्रेशर अंदर बढ़ा दी तो ये क्या करेगा तो इट डिटेक्ट्स लाइक इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ए और ये एन को रिलीज करेगा एनपी और बीएनपी एक सौ पंद्रह तो एक सौ सो सोलह की तरफ हम जाएंगे और ये एक सौ सो सोलह है तो ये टच एन पी रिलीज करेगा ए एन पी ज्यादा फॉलोइंग है तो बाकी चीज़ें तो ग्लूकोज यूरिक तो डेस्टल में उसका अपना एक चैनल है में इतना नहीं होता

तो लेसर कर्वेचर के साथ कौन सी अटैच है ये आपकी अटैच है हेपेटो गैस्ट्रिक क्योंकि गैस्ट्रो और लेवर के दरमियान है यह आपका स्टमक हो गया यह आपका ड्यूटिनम हो यह आपका लेवर हो गया तो लेवर और स्टमक लेसर कर्वेचर के बीच में जो है वो कौन सा है वो हैपेटोगेस्ट्रिक है जो ड्यूडिनम और उसके बीच में है, वो क्या, वो कौन सा है है ये इसका पूछ रहे हैं लेसर का तो हैंस्ट्रिक हो गया आगे बढ़ते हैं डिक्रीज इन हार्ट रेट विल। तो अगर आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा कार्ड बी इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इन टू रेजिस्टेंस तो कार्डिक आउटपुट हार्ट रेट इन स्ट्रोक वॉल्यूम तो आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी और आपका बीपी कम होगा तो यहाँ पे आंसर क्या है सिस्टोलिक प्रेशर आपका कम हो जाएगी डायस्टोलिक डिक्रीज इज मोर देन सिस्टली तो जब आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो डायस्टोलिक आपका इंक्रीज़ होगा डायस्टली इंक्रीज इज़ एज़ कम्पेयर टू दिस्टली नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है पॉइंट एट सेकेंड होता है आपका कार्डिक साइकिल का तो अगर आपका हार्ट रेट कम होता है तो कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा लेट सपोज़ फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व होगा या फोटीन होगा तो उसमें आपकी डायस्टली ज़्यादा इंक्रीज़ होगी एज कम्पेयर टू दिस्टली अगर टाइम का पूछे तो डायस्टोलिक टाइम जो है वो अगेन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस्टोलिक लेकिन अगर ब्लड फ्लो का पूछे तो ब्लड फ्लो विन द हार्ट रेट इज़ डिक्रीज तो वो उस पर क्या इफेक्ट होगा ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी ना अगर हार्ट रेट आपका बढ़ेगा तो द हार्ट इफ इफ योर हार्ट रेट इज़ इंक्रीजिंग दिन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज इफेक्टेड मोर इन डाइस्टडी दिस कम्पेयर टू दिस हिस्टडी सही है इस तरह याद करना है वो जो फॉलोइंग शुड भी यूज तो आपने अल्फा वन ब्लॉक करने हैं फॉलोड बाई बीटा टा ब्ला अगर आपने बीटा ब्लाकर सिर्फ दे दी और अल्पा को आपने कवर नहीं किया तो ये पाजम करेगा आर्टरीज और में तो यह लोड बढ़ाएगा और ये जो है हाई पोटेंशियल क्राइसिस करेगा ओ जो है मेडिकल एथिक्स से एंटीरोइनेस जो है वो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है लीस्ट डिस्टेंसीबल उसमें आपका मीएटस है अगर वो नहीं है तो फिर में ब्रेनस पार्ट है टोटल पेनक्रेटिक इन द पोस्टीरियर अगर उसमें पोस्टीरियर पोस्टीरियर पु, इन्फीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अगर वो नहीं है तो फिर आर सी मसाला फोर्सफुल एक्सप्रेशन तो मसल ऑफ इंस्परेशन कौन से हैं वो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल इंस्परेशन वाले हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल जो है वो एक्सप्रेशन वाले हैं तो एक सौ उनतीस एक सौ तीस की तरफ हम बढ़ेंगे ये कौन सा है एक सौ तीस की तरफ ये कौन सा है हाँ ये है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दिस इज़ द राइट आंसर बिजीज आप पेशेंट विद एक्यूट रेस्परेटरी एसिडोसिज तो पी एच आपकी डिक्रीज होगी पी एस टू आपका इंक्रीज होगा और बाईकार आपका नॉर्मल होगा क्योंकि एक्ूट है क्रोनिक में आपका बाईकार भी बढ़ेगा सिंपल अबाउट्स आर सेल तो ये क्या करता है रिलीज एंड्रोजन एहेबिटिंग फैक्टर यह इन्हेबिन रिलीज करता है ना एनहेबिन एनहेबन और इसका काम क्या है ये ब्लड टेस्टीज बेरियर बनाता है ट्वेंटी एट ईयर ओल्ड सोल्जर आफ्टर रिटायरिंग सियाचिन हैविंग स्पेंड सिक्स मंथ उसने सिक्स मंथ्स उधर गुजारे हैं और अब जो है आया है पेफरल सैनोस फिंगर तो उसमें आपका सकेंडरी पो रिसमे इज़ द रट आंसर उसमें हेड एक होती है टनाइटस होता है नमनस होती है और उसमें आपका साइनोस होता है तो ड्यूरेशन को देख लें सिक्स मंथस उसकी एक लिमिटाइजेशन हुई होगी ना लेकिन अगर पूछे कि यही सोल्जर ऊपर चढ़ गया और चढ़ते ही उसका सांस फूल रहा है ही इज इन एंड ही इज़ हैविंग एक तो ये पलमुंद एडेमा है आपका हाई अल्टीट्यूड पलमुंद्री एडेमा है हाई अल्टीच्यूड परमुंदरी एडेमा और उस वो जो है एक्सीजन उस उसर कम होती हैं तो उसमें हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होती है एटल टिश्यू तो क्या होगा उसका रेस्परेटरी रेट बढ़ जाएगा तो उसका सीटू निकलेगा जब सीओ टू ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा उसको उसको क्या बोलते हैं रेस्परेट्रियल कलोसिस और उसको कार्पोपिटल स्पाजम होंगे हाइपोकैल्सियम की वजह से तो उधर कंपेंसेशन क्या होगी तो उसको रेस्परेट्रियल कलोसिस हो रही है तो उसको किडनी जो है बाइकार्ब ज़्यादा निकालेगा तो उसके यूरिन में बाइकार्ब ज़्यादा होगा तो उसका यूरिन पीएच क्या होगा अल्कलैन होगा ये कहना दर से किए हैं तो उसका यूरिन पीएच क्या होगा अल्कलाइन होगा यूरिन पीएच क्या होगा अल्कलाइन होगा यूरिन पीएच क्या होगा अल्कलाइन होगा तो ये उसका कंपनसेशन है यूरिन पीएच उसका अल्कलाइन होगा रिकॉर्डिंग थैलेसीमिया ट्रू इज एनी ऑफ द रेशो में भी डिफरेंस आता है अल्फा ग्लोबिन से बीटा ग्रेटर चांसेस ऑफ न्यूमोथोरैक्स वाइस विद द राइट सुप्राक्लेवियन वेन है सब क्लेमन मीन तो ही है लेकिन राइट है या लेफ्ट है तो आई थिंक यूजली हम ज़्यादातर राइट पे पास करते हैं तो राइट है अगर किसी के पास रेफरेंस है तो लेफ्ट का तो वो शेयर कर सकते हैं वेट गेन कैन बी मॉनिटर बाई इसका अगर किसी के पास रेफरेंस है तो वो शेयर कर दे वेट गेन कैन बी मॉनिटर बाई यहाँ पे वर्क आउटपुट है आ, तो रूल क्या है फॉलो द मेजॉरिटी तो देख लें मेजॉरिटी क्या फॉलो करती है वेट गेन कैन बी मॉनिटर बाई वर्क आउटपुट डोंट नो द ड्रग ऑफ चॉइस दैट यूज टू ट्रीट ट्रेवलर डायरिया इज़ तो इसमें यूजली हम एंटीकोल देते हैं इमोडियम बस्मत सबसे रिसाइलेट ये चीज़ें देते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन होगा अगर उसके साथ रिस्पांस नहीं आता तो फिर हम फ्लोरोनोलोन की तरफ जाते हैं सिप्रो और नॉर्फ्लोक्सीजन अगर उससे भी रिस्पांस नहीं है तो फिर एज्रोमायसिन की तरफ जाते हैं एज्रोमायसिन तो यहाँ पर अपने बस्मत सबसे रसायल्ड सेलेक्ट करना है या अगर ये ना हो तो एमोडियम सेलेक्ट करना है a person वन 140 ml पर लीटर सोडियम एंड 100 ml what will विल बी द इफेक्ट तो यहाँ पे आप देख लें 140 आपको कंफ्यूज करने के लिए प्लाज्मा में सोडियम की क्या रेशो होती हैं सोडियम की कंसनट्रेशन क्या होती है 140 लेकिन यहाँ पे 140 जो है वो डाल रहे हैं 100 एम वाटर में तो 140 फोर्टी अगर हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो किस तरह आएगा में तो वन फोटी मिली क्यूलेंट ऑफ सोडियम आप ग्राम में मिलीग्राम में किस तरह कन्वर्ट करते हैं तो वन फोटी को मल्टीप्लाई करें इसके एटामिक वेट के साथ तो इसका एटामिक वेट कितना है आलमोस्ट ट्वेंटी थ्री है तो इससे कितना आता है लेट्स कैलकुलेटेड तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह है कि अगर आप वन फोटी को ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करिए एटामिक वेट है और ये मिली क्यूलेंट है तो आंसर आएगा थ्री थाउजेंड सम तो ये मिलीग्राम आ गया तो इसको ग्राम में चेंज करें तो ग्राम में चेंज करेंगे तो थाउजेंड पर डिवाइड करेंगे तो सिपर 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 क्या क्या तो थ्री ग्राम आपका आ गया तो यहाँ पे आप थ्री ग्राम किस चीज़ में डाल रहे हैं हंड्रेड एम में डाल रहे हैं थ्री ग्राम आप हंड्रेड एम में डाल रहे हैं तो ये कितना बन गया थ्री परसेंट तो थ्री परसेंट क्या है हाइपरटोनिक सलाइन है असल में तो हाइपरटोनिक सलाइन के लिए हमने क्या पढ़ा था अगर आप हाइपरटोनिक फ्लूड दे रहे हो तो क्या करेगा वो आई और ये सिर्फ दोनों की स्मोलिटी बढ़ाएगा और वॉल्यूम सिर्फ ई सी एफ की बढ़ाएगा और आई सी एफ आई सी एफ की कम करेगा तो यहां पे आंसर क्या हो गया ये हो गया यहाँ पे आंसर क्या हो गया ये हो गया अब देखते हैं अगर थाउजेंड एम एल वाटर में डाल दे तो क्या इफेक्ट होगा वही थ्री ग्राम अगर आप थाउजेंड में डाल दें थ्री ग्राम आपने थाउजेंड में डाल दिया तो इसका क्या आंसर होगा तो अगर आपके पास थ्री थाउजेंड मिली ग्राम था ये और ये हमने डाल दिया थाउजेंड एम एल वाटर में तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो आप कितना आएगा थ्री हंड्रेड मिलीग्राम हंड्रेड में आ गया तो थ्री हंड्रेड मिलीग्राम आपका हंड्रेड एम एल में आ गया तो थ्री हंड्रेड मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करूँ क्योंकि परसेंटेज हम ग्राम में लेते हैं तो थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई था कितना आएगा पॉइंट थ्री आएगा तो पॉइंट थ्री ग्राम हंड्रेड एम एल में क्या बन गया पॉइंट थ्री परसेंट आ गया तो पॉइंट थ्री परसेंट क्या है ये हाइपोटोनिक है और हाइपोटोनिक के लिए हमने क्या पढ़ा था अगर हाइपोटोनिक फ्रूड आप देंगे तो वो क्या करेगा आई वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा अगर वो नहीं है तो आई सिफ डिक्रीज़ करेगा अगर वो भी नहीं है तो ई सिफ वॉल्यूम बढ़ेगा वो नहीं है तो ई सिर्फ असमोलिटी डिक्रीज़ होगी तो ये सिंपल कर दिया मैंने क्योंकि इस पर दो हम सी चीज़ और हैं अगर आपने थाउजेंड एम एल में डाल दिया तो क्या होगा अगर आपने हंड्रेड एम एल में डाल दिया तो क्या होगा सिंपल इज दैट देट आयन इज रेज इन मेलेगनेट हाइपरथर्मिया तो अगर मसल के अंदर बात कर रहे हैं तो कैल्शियम है लेकिन अगर सीरम में बात कर रहे हैं तो पोटाशियम है देर इज़ हाइपर कलीमिया देर हाई देर इज हाइपो कैलसीमिया कैल्शियम आपके मसल में बढ़ जाता है लेकिन बाहर आपका कैल्शियम कम होता है हाइपो कैल्शिमिया क्योंकि कैल्शियम यहाँ पर बाउंड करते हैं डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन होती है तो हाइपो कैलसीमिया होगा और पोटाशियम बढ़ेगा अगर ब्लड में पूछ रहे हैं यहाँ पर अगर मसल में पूछ रहे हैं तो कैल्शियम अगर ब्लड में पूछ रहे हैं तो हाइपर कलेमिया होती हैं बाकी सारी चीज़ें कम होती हैं लेकिन यहाँ पर अगर कुछ ना हो विच आईन रेस्ट मेलेर तरमिया तो फिर आपने कैल्शियम इसलिए पिक करना है क्योंकि मेगन हाइपर तरमिया का मेकेजम यही है सारको प्लाज्मिक्रिटिकुलम जो है वो कैल्शियम वापस पम्प नहीं कर सकता वन कंट्रक्शन इज ड्यू टू माई फाइब्रॉब्लम बार बार रिपीट होता है रिगार्डिंग ड्रेन टि फ्लूड बैक तो टिशू फ्लूड को वापस ड्रेन करती है मिडन सेरेबुलर पेडंकल कंटेन विच तो उसमें आपका पोंटो सेरेबलर है मिडल में आपका पोंटो सेरेपेलर है लोअर में आपका मेडुला है और अपर में आपका मेड ब्रेन और कार्टिक्स के साथ कनेक्शन है ड्यूटी मोस्ट कॉमन अकर कर ड्यू टू प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हेपलाइड नंबर बाकी मेड होता है इसमें थ्री तो आगे बढ़ते हैं ये 144। अपर हारमोनियम क्वाड्रेंट एनोपिया दिस मोस्ट टू डैमेज ऑफ तो आपका राइट अपर एनोपिया है तो मैंने अभी बता दिया अगर राइट right है तो लेफ्ट होगा अगर अपर है तो डाउन होगा तो लेफ्ट लोअर रेडिएशन में बस इस तरह रूल फॉलो करें राइट right है तो लेफ्ट होगा अपर है तो लोअर होगा तो लेफ्ट लोअर ऑप्टिक रेडिएशन टेस्टिकुलर ट्यूमर विद मेचे तो टेराटोमा है ये पीट्यूबलर एंट्रस्टीशियरस अगर पीट्यूबल एंडस्टर सेल नहीं है तो फिर आपने पीरीटिबुलर के पिल रिस्पेक करना है रेफरल सिस्टम टू वे कम्युनिकेशन बिल्कुल सही है हेपरिन एक्सन एंटीथ्रोमिन थ्री बिल्कुल सही है ट्वेंटी एयर गो ओल्ड पेन पेनसाइट ओपिनियल लिपोसाइट एटी एट, एट, एट परसेंट तो इसमें आपने बोन मेरो करना है क्योंकि ऑलरेडी स्मेयर हो गया है ना उसने आपने बता दिया कि पेन साइट और लिपोसाइट एटी एट परसेंट है तो उसमें आपने बोन बायोप्सी करनी है लेकिन अगर ये पूछे कि ब्लड सीपी हुई है सी पी पे ये पिक्चर है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होगी स्मेयर स्मेर जरूर करना है आपने सी पी और स्मेर में फ़र्क है सी पी मशीन करती है और स्मेयर हेमाटोलॉजिस्ट करता है माइक्रोस्कोप में देखता है तो अगर ब्लड सी पी में आपका ये पिक्चर है तो ब्लड सी पी के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और कन्फर्मेटरी uh, क्या होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ तो बोन वाइफ सी है इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड वाटर वन ए एयर मेक आज जी डी ने फिना क्या कन्वेक्शन करंट्स बनते है उसमें ये क्रिएशन ऑफ कन्वेक्शन करंट इन द एंड बस ये रट्टा करे विद रेफरेंस फ्राम दी फिलयर्स ओल्ड विद ब्लू बर्थ ब्लीडिंग टाइम इज तो लाइंगेड फंक्शनल डिफेक्ट है क्योंकि वन ट्वेंटी थाउजेंड पे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए प्लेटलेट की वजह से अगर हो रही है तो फंक्शन डिपेक्ट है इन सफिशेंसी इनकाइटिस है ए, ए। प्री मरीगनेट कंडीशन तो ये तो बार बार रिपीट होता है आ, औरल सम्यूकस फाइब्रोसिस औरल सम्यूकस फाइब्रोसिस और आ, अगर पूछे कि प्री मेगनेंट लेजन क्या है तो मोस्ट कॉमन क्या है ल्यूकोप किया मोस्ट डेंजरस क्या है तो एरेथ्रोप्ले के एरेमीन रेड रेड डेंजरस होता है पेशेंट विद कार्डियक कॉर्डियोकानस है और उसको ये ये हो गया तो किसी को इम्प्लान्स आपने डाल दिए और उसके बाद वो एप्सिस बन गए तो सी पी एस पी वेयर नोकाडिया अगर आपने आई यू सी डी डाल दी और सल्फर ग्रेनून है उसमें उसमें एपसेसिस बन रहे हैं तो नोकाडिया no अगर बंदे को आ, जा में प्रॉब्लम था ड्रामा की वजह सेविंग प्लान मल्टीपल एप्स ड्रेनिंग विद मल्टीपल हैड्स तो आंसर नोकाडिया होगा प्लान्स डाल दिए मल्टीपल uh, एपसेस बन गए नोका विच इसस Return, बढ़ते हैं लास्ट पेज की तरफ इंक्रीजिज इन इंस्परेशन डिक्रीजिज इन एक्सरसाइज गलत है रिटर्न उसमें बढ़ती है क्योंकि आपका पेरेफ्लोजो डायलेशन हो जाता है पेरेफ्ल आर टी होता है तो क्या करता है जब पेरेफ्ल आर्टीज डायलेशन होती है तो ब्लड जो है वो क्विकली आर्टरी सिस्टम से वीनस में आ जाती है और जब ज्यादा ब्लड वीनस ब्लड में आ जाती है तो क्या हो जाती है आ, उसमें विन वी, एस रिटर्न बढ़ जाती है दूसरी बात यह है इसमें सिम्पैथिक स्टिमुलेशन होती है जब सिम्पेटिक स्टिमुलेशन होगी तो आपकी वी, वीनस सिस्टम सिसटम कंट्रैक्ट होगा जब वीन एस कंट्रैक्ट होगा तो आपका ब्लड जो है वो हार्ट में आएगा जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा ब्लड निकलेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा क्वेश्चन दोबारा देखता हूँ वीनस रिटर्न अच्छा तो वीनस वीनस एक्सरसाइज में आपकी बढ़ेगी क्योंकि आपका विनस सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारा ब्लड हार्ट को आएगा तो विनस रिटर्न बढ़ जाएगी डिक्रीज इन एनीमिया नहीं एनीमिया में क्या होता है एनीमिया में विनस रिटर्न बढ़ जाता है वीनस क्योंकि उसमें वॉल्यूम और लोअ हो जाती है ना आपका हेमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता तो उसमें हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर भी इस वजह से होती है कि डिमांड्स को पूरा नहीं करता उसमें विनस रिटर्न बढ़ जाती है इंक्रीज इन फोर्सफुल फॉर एक्सप्रेशन में आपका वीनस रिटर्न क्या होगा एक्सप्रेशन में तो जब आप फोर्सफुल एक्सप्रे करते हैं तो उधर आपका क्या होगा जब आप एक्सपायर करते हैं जब आप एक्सपायर करते हैं तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी उधर और आपका वीनस रिटर्न टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट वो कम हो जाएगी लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वो बढ़ जाएगी ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट हार्ट इज इंक्रीज क्योंकि आपका लंग स्क्वीज़ होगा तो लंग में जो जितना ब्लड है वो किधर जाएगा लेफ्ट हार्ट में आएगा और राइट right और एंट्राटोरेसिक प्रेशर आपका डिक्रीज होगा जब एंट्रातोरेसिक नेगेटिव प्रेशर का डिक्रीज होगा मतलब नेगेटिव निगेटिव इंट्राटोरेसिक प्रेशर आपका कम होगा तो आपका विनेस रिटर्न टू द राइट हार्ट इज डिक्रीज्ड तो और इंस्पिशन में क्या होगा जब इंस्पायर जब आप इंस्पायर करते हैं तो ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट हार्ट इज डिक्रीजड एंड ब्लड फ्लो टू द राइट हार्ट इज इक्रीज एंड ब्लड फ्लो टू द राइट हार्ट इज कॉल्ड विनस रिटर्न क्योंकि आपका द प्रशर इन साइड दस्टक्ट बिकम्स मोर नेगेटिव इफ इट बिकम्स मोर नेगेटिव देर इज वैक्यूम इन ऑर्डर टू फिल दैट वक्यूम देर इज सकिंग प्रेशर एंड द सकिंग प्रेशर देश सक्स द ब्लड फ्रॉम द विन सिस्टम एंड देर इज इंक्रीज इन रिटर्न अपर मोटन कर्टिको स्पाइनल एंड कार्टिको बल्बर स्पाइनल कार्टिक से जो इंटीरियर हॉन

कोरोनरी साइनस और साइनस राइट एट्रियम में जाती हैं तो राइट एट्रियम से फिर जो है वो लंग्स में जाती है उधर उसकी क्या हो जाती है ऑक्सीजनेशन हो जाती है यहाँ पे क्या है अल्टीरियल ब्लड में आपका प्योटू लेस इसलिए होता है क्योंकि यूनिट ऑक्सीजन ग्रेडियंट टू तो डिफ्यूज डिफ्यूजन के लिए आपका ऑक्सीजन ग्रेडियंट होना हो जाना है अगर ये ग्रेडियंट आपने खत्म कर दिया तो फिर डिफ्यूजन नहीं होगी ऑक्सीजन नीड प्रेशर ग्रेडियंट फॉर अनलोडिंग फॉर अनलोडिंग नहीं फॉर डिफ्यूजन फॉर डिफ्यूजन अनलोडिंग उसके साथ राइट right, राइट right करो राइट शिफ्ट इज़ अनलोडिंग लेफ्ट शिफ्ट इज़ लोडिंग तो राइट right शिफ्ट में तो आपकी प्रेशर ग्रेडिंग नहीं है उसमें तो बाकी चीज़ें हैं टेम्परेचर है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें राइट शिफ्ट कौन कौन सी चीज़ें करती है वो सब आपने अनलोडिंग के लिए पिक करना है यहाँ पे एक्सीजन नीड्स ग्रेडन टू डिफ्यूज़ इसलिए आपका दोनों तो सेम नहीं होता हैं लेकिन ब्रोमकेल वीन इज ड्रेन डायरेक्टली टू द लेफ्ट टू द पलमुंद्री वीन ये अगर ऑप्शन होता आपने वो चूज़ करना है क्योंकि पीओ टू वही फॉल करता है आपका जो ब्रोंकियल वेंस है वो डायरेक्टली ओपन होते हैं वेंस में तो ब्रोंकिलवीन में डी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड होगा पलमून रेवीन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो आपका ऑक्सीजन फाल हो जाएगा या ब्रोंकियल ब्रोंकिलवीन ओपन डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रियम जब लेफ्ट एट्रियम हो जाएंगे तो आपका वो डी एक्सीजरेटेड ब्लड है तो दैट इज द रीजन वो डी ऑक्सीजनरेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो आपका टोटल ऑक्सीजन जो है ब्लड में कम होगा अगर वो नहीं है तो फिर आपने ए चूज़ करना है

तो बाई कार है सीओ टू थर्टी है तो ये कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक ऐसी डोसेज़ हैं सो विद दिस दिस पेपर इज़ इज़र थैंक्स फॉर वॉचिंग